हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू हितेश्रीज किचन। आज हम लोग ओट्स की ब्रेड बनाएंगे। उसके लिए मैंने एक कप ओट्स लिया है, एक कप मैंने सूजी ली है, और मैंने आधा कप दही लिया है, और मैं इसमें एक 3/4 टेबलस्पून बेकिंग सोडा डाल के इसे मिक्स कर लूंगी। मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ। एक टेबलस्पून हनी डाल रही हूँ और चम्मच नमक डाल रही हूँ। इसे हल्के हाथों से मिक्स करके ढक के आधा घंटा के लिए छोड़ देती हूँ। आधा घंटा हो चुका है, आप देख सकते हो बैटर हमारा फूल गया है। अब मैं इसे पीस लेती हूँ। 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर डाल रही हूँ और आधा कप दूध डाल रही हूँ। अब मैं इसे पीस लेती हूँ। दो टेबलस्पून ऑलिव ऑयल डाल रही हूँ। मैं इसे मिक्सिंग बाउल में निकाल लेती हूँ। आधा चम्मच, आधा टीस्पून बेकिंग पाउडर और आधा टीस्पून बेकिंग सोडा। आप इसमें इनो भी डाल सकते हो और हल्के हाथ से मिला लूँगी। मैंने ग्रीस करके मोल्ड रखा है। अब मैं इसमें पूरा बैटर डाल देती हूँ। आप इसे ओवन में भी बना सकते हो, मैं इसे गैस पे बना रही हूँ। थोड़ा सा ऊपर से मैं ऑलिव ऑयल डाल रही हूँ। और मैंने प्री हीट करने के लिए जो रखा था, इसमें मैंने एक रिंग रखी है और इसके ऊपर ये रख देती हूँ। मैं इसे ढक देती हूँ और 40-45 मिनट तक इसे मीडियम गैस पे बेक कर लूँगी। अगर आप ओवन में बेक कर रहे हो तो 180 डिग्रीज पे 40 मिनट्स बेक करना चाहिए। 40 मिनट हो चुके हैं, अब मैं इसे देख रही हूँ। कितना बढ़िया कलर आया है। मैं गैस ऑफ कर रही हूँ और इसे निकाल लेती हूँ। थोड़ा
थोड़ा सा बटर लगा लेती हूँ ताकि ये ड्राई ना हो। कपड़े से इसे ढक के रख देती हूँ। 10 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हो कितना बढ़िया कलर आया है। और मैं अभी इंची से निकाल लेती हूँ। आप देख सकते हो कितनी स्पॉन्जी बनी है और हमारी ब्रेड स्मेल भी बहुत ही बढ़िया आ रही है। कलर ही बहुत प्यारा आया है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।